धन्यवाद। मैं आप सभी को अवगत करा दूं, कोई भी लड़ाई भीड़ इकट्ठी करने से सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी है तो यहाँ बैठ के पहले चंदा करना होगा, उसके बाद आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ आए हुए सभी व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 26 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है जिसमें लिखा हुआ है कि ताजमहल की बाउंड्री वॉल से चारों दिशाओं में 500 मीटर का एरिया कवर करके जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हो सबको हटा दिया जाए, जितनी व्यवसायिक गतिविधियां हों, और इसी वजह से आज तक हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। अभी ADA ने नोटिस भी जस्ता किए हैं कई जगह, और उसी के विरोध में सारे दुकानदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध आप सिर्फ साइलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई भी एग्रेसिव प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे अपील है कि ना तो नारेबाजी करें और कोई भी एग्रेसिव प्रोटेस्ट ना करें किसी भी तरह की, क्योंकि ये मैटर अभी हम कोर्ट में ले जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि जब आपके पास में आप जब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने आए हैं तो हम आपको सुन रहे हैं, उसके बाद आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर हमारा पक्ष सुनना नहीं गया हो, अभी तक तो हमारा पक्ष सुना नहीं गया, हम अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे, उसके बाद जब वो रिजेक्ट होगा या कुछ भी होगा उसमें अगर हमारे फेवर में आंसर नहीं आता है तो हमारे पास उसके बाद भी एक ऑप्शन है,